boss, yes, boss. Yes, boss. प्राण निकले वाले तुम्हारे इसे डाउन मार्केट आदमी से पाला पड़ा है मेरा That's not fair. आंटी को हमेशा टीज करते रहते हैं मैं टीज करता हूँ इसको What? तुम जानते नहीं ये एक नंबर की नटखट बुढ़िया है Oh. वर्मा साहब प्लीज हैंडल हिम Oh, we are right. Okay. Hi, Tina, baby. What's up? ये बता मुंबई कैसा लग रहा है not that great, really. Why? जिस चीज को हासिल करने के लिए मैं लंदन से आई हूँ मुझे मिल नहीं रही है कौन सी चीज मेरा प्यार Oh my God. What? तुम्हारी मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है मैं भी एक प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ आज 5 साल से लेकिन प्यार आगे आगे मैं Extra parallel, very exciting. But it's not all that exciting, you know. तैयार है मेरा जी ऑफिस जाने में देर हो रही है दीदी तो निकल गई गोली के साथ ए रानी क्या चल रहा है तेरा कहाँ देख रहे काम कर हो गया सुख हो गया तेरा चलिए फाइल ले ए काम चोर ये हीरू को दे ए काम चोर हीरू ये डिस्पैच करना फटाफट हाय आरती हाय क्या बात है तुम इतनी अपसेट लग रही हो तेरे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या कहाँ यार बॉयफ्रेंड होगा तो झगड़ा होगा ना सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड है मेरा ही कोई बॉयफ्रेंड नहीं है हीरू तेरी सेल में लड़के नहीं मिलते क्या लड़के सेल में नहीं आजकल फ्री में मिल जाते हैं लेकिन मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो महीने में 1-2 लाख कमाता हो बस हर लड़की को यही चाहिए आजकल 1-2 लाख कमाने वाला आदमी चाहिए ताकि खुद को काम ना करना पड़े पता नहीं क्या हो गया आजकल की जनरेशन को एवरीबॉडी वांट्स इजी मनी कम ऑन नाउ स्टार्ट योर वर्क चलो काम करो चलो मॉर्निंग में ऐसी चीजें होती है ना तो आपको समझ में नहीं आता व्हाट शुड आई डू रियली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग क्या अभी तो गुड आफ्टरनून होने वाला है मैडम बहुत लेट हो गया आज आप हाँ वो गोल्डी की कार का टायर पंक्चर हो गया ना इसलिए देर हो गई पंक्चर हो गया या पंक्चर कर दिया नहीं कुछ नहीं मीरा जी आप प्लीज मेरे केबिन में आइएगा मुझे जरा वो प्योर लाइफ मिनरल वाटर का प्रोजेक्ट डिस्कस करना है लेकिन मैम आपको पता है वो डायमंड शूटिंग का जो प्रोजेक्ट है वो कल जा रहा है तो वो अर्जेंट है पहले वो डिस्कस कर ले हम लोग ऑफ कोर्स मैं गोल्डी से बात करके आपको ज्वाइन करती हूं ओके लेकिन मैडम ये अर्जेंट है ये कल जाने वाला है तो कभी भी हो सकता है मैडम इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं यहां पर हमारे काम की वैल्यू नहीं कूल डाउन कूल डाउन मोहन जी कूल डाउन देखिए आपके काम की नहीं आपकी वैल्यू है इस ऑफिस में भाई आप सीनियर हैं हम सबसे मीरा जी आप पहले मोहन जी के साथ उनका प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद मेरे केबिन में आएंगे अंडरस्टैंड यस ओके हैप्पी लिटिल बिट इवन अ बिट देखा कितना समझदार है उसके साथ उल्टे मुंह बात करने की क्या जरूरत थी हमेशा तुम्हारे साथ कितने तमीज से पेश आता है वो मीठी छुरी है वो वर्मा साहब के बारे में भी यही कहते हो तुम तो फिर ये मीठा पॉकेट नाइफ ये क्या है डिस्पैच करना है सर डिस्पैच क्या होगा जी अच्छा भेजना है एक्सक्यूज मी सर आपने बुलाया आजकल तो आपको बुलाना पड़ता है मेरा जी खुद खुद तो आप आती नहीं सर दरअसल वो मैं कुछ गोल्डी के साथ बिजी थी राइट सर गोल्डी के साथ मैं काफी नए प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ सर एक्सक्यूज मी सर मैडम ये वीपी साहब ने मीटिंग का शेड्यूल दिया पढ़ के सुनाओ जी नहीं तो पढ़ना आता अंग्रेजी में लिखा हुआ मैं एसएससी पास हूँ और हमेशा इधर लाओ अंगड़ा ओके सो लेट्स through the meeting schedule, huh? 2:30 meeting, farewell saris, Miraji and Goldie, 4 diamond suitings, Miraji and Goldie, 6 future biscuits, Miraji and Goldie, 10 dinner, Miraji and Goldie, Miraji and Goldie, Miraji and Goldie. Miraji, ye meeting ka schedule hai ya set hai? I mean, I don't understand, ye banaya kisne? Sir, BP saab ne. Aur hote kaun hai wo? Vice President of this company. सर मुझे लॉजिक समझ नहीं आई कि आप इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में मीरा जी के साथ उस बच्चे को भेजते हैं वर्मा जी प्लीज बार बार गोल्डी को बच्चा बच्चा मत कहिए उसने अपने आप को प्रूव किया है कि यहाँ के सीनियर से ज्यादा समझदार है वो आप उसके सामने मुझे डाउन कर रहे हैं सर
जिन क्लाइंट्स को मैं हैंडल करता था, आज गोल्डी हैंडल करता है। वर्मा साहब, आपने बहुत काम कर लिया, अब आराम कीजिए ना, खाइए पीजिए, पगार लीजिए। वैसे भी रिटायरमेंट का टाइम तो हो ही गया आपका, ओके? आपका टाइम हो गया सर, ऊपर जाने का। अरे मेरा जी, मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है सर, आई विल कैच अप विद यू लेटर, एक्सक्यूज मी। जी मेरी बात नहीं सुनती? अरे सर, आपकी तो क्या, आजकल मीरा मैडम मेरी भी कोई बात नहीं सुनती। मोहन जी, ये गोल्डी नाम के बचकुंडे ने मीरा जी के दिल पे सील लगा रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ले उड़े और आपके बुढ़े दोस्त बंटी खांसते खांसते निकल ले। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा सर। डोंट ओवर रिएक्ट यार, कुछ सोचिए, कुछ आइडिया निकालिए कि बचकुंडे को कैसे गायब करेंगे। उसको सेट करना है सर, बिल्कुल पूरी तरह। थिंक ऑफ एन आइडिया। ऑलराइट, आई एम नेवर शॉर्ट ऑफ आइडियाज। आई मे बी शॉर्ट इन हाइट, बट नॉट शॉर्ट इन आइडियाज। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? मैं कब से बेल बजा रहा हूँ? बैरी हो क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं स्किपिंग कर रही थी। एक काम करो, स्किपिंग करते करते खिड़की से स्किप करो। खा जा रही हो? ओए नो, इनफ इज इनफ। अरे मेरी नहीं, मेरी एक बार के साथ खत्म कर दे। मेरे पास है, डोंट गेट मी। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज। जानती तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये बात नहीं है, दरअसल क्या है कि अगर तुम कूदोगी ना यहाँ से, लोग समझेंगे मैंने तुम्हें धक्का दिया है। तुम माइक पे जाओ, वहाँ से कूदो, व्यू भी अच्छा है। मैं जा रही हूँ। माइक पे अच्छा, वो चली गई। अब आराम से फोन करूंगा मीरा जी को। ऑलराइट, हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आपने फोन किया, आप बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं विनोद वर्मा बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? मिस्टर वर्मा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मैं गोल्डी बोल रहा हूँ। गोल्डी तुम? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है मिस्टर वर्मा? नहीं, ये कोई टाइम है किसी घर जाने का? टाइम देखो जरा। डोंट थिंक एनीथिंग एल्स मिस्टर वर्मा, दरअसल मुझे काम के बारे में कुछ डिस्कस करना था, इसलिए यहाँ पर आया था। और सुनाइए, कैसे हैं आप? मीरा जी को फोन दो। ओके मीरा जी, वर्मा जी का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, am I right? हाँ श्योर। हेलो सर, कहिए ना। मीरा जी, क्या मेरा इतना हक बनता है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि ये आदमी इतनी रात गए क्या कर रहा है वहाँ पे? हाँ सर, कल वो बहुत बड़ी डील करने जा रहा है ना, उसके बारे में डिस्कशन करनी थी सर। डील? कैसी डील? सर, वो लंदन वाली पार्टी है ना, अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, टैल्कम पाउडर, करोड़ों की डील है सर। ये पार्टी ठहरी कहाँ हुई है? पार्टी की डिटेल्स, वन मिनट सर। कैन आई गेट अ टिश्यू पेपर? श्योर श्योर। सो नाइस मिस्टर वर्मा, आपको डिटेल्स चाहिए थी ना, मैं देता हूँ। हाँ बता बता बता। दरअसल एक मिस्टर पास्कल कॉर्लियोनी है जो लंदन से आए हुए हैं। पास्कल कॉर्लियोनी? और वो मडाइलैंड पे ठहरे, यू नो मडाइलैंड, और वहाँ पर एक ब्लैक स्टैलियन करके बंगलो है जहाँ पर आप उनसे मिल सकते हैं। ब्लैक स्टैलियन, उनका नंबर जरूर लिख लीजिए। 98211 98211 23480 23480। लिख लिया? इस बच्चे को ये नहीं मालूम कि इसने अपने पैर पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी। पास्कल कॉर्लियोनी। टिश्यू? ओ आपने मंगवाया था? ओ या, हाँ, एप्पल खाना था मुझे, एप्पल। टिश्यू के साथ? हाँ नहीं, साफ कर। ओके ओके ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मड आइलैंड के ब्लैक स्टैलियन नाम के बंगले में वो लंदन वाली पार्टी आके ठहरी हुई है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे पहले कि गोल्डी जाके उस पार्टी से मिले, हमें उस पार्टी के साथ डील क्रैक कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गोल्डी की कंपनी में जड़ें और मजबूत हो जाएं। You are right, sir. और इसके पहले कि गोल्डी की जड़ें यहाँ मजबूत हो, हमें उसको जड़ से काट के फेंक देना होगा, उसकी टांगे तोड़ देनी होगी। We have to uproot him. You get so violent, इतने violent क्यों हो जाते हैं आप? सर मैं क्या करूं, मेरे अंदर राजपूत का खून है सर। माफ कीजिएगा, श्रीवास्तवा नॉट राजपूत। जी नहीं, मैं क्या कह रहा था मोहन जी कि we must crack the deal which is more important. Exactly सर, और मैं क्या कह रहा हूं सर, वो सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि we have to crack the deal, भले कुछ भी हो जाए, we have to crack the deal. तो मैं हमेशा आप मेरी बात रिपीट क्यों करते हैं यार? सॉरी सर। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मोहन जी हमें गोल्डी ने पार्टी का एड्रेस इतनी आसानी से दे कैसे दिया? आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस मच। गोल्डी किसका बेटा है? वीपी का। जैसा बाप वैसा बेटा। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, बोलिए बोलिए भाई, जैसा बाप है वैसा ही बेटा होगा ना। मैं जो बोलता हूँ वही रिपीट करते हैं, आपका कोई अपना ओपिनियन नहीं है, आपकी अपनी कोई आवाज नहीं है।
इस साल गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है सर। इस बात से इस बात का क्या ताल्लुक है? ये मेरा अपना ओपिनियन है। ओके ऑल राइट, सो नाउ यू हैव योर ओन ओपिनियन अबाउट वेदर। आई एम प्राउड ऑफ यू मोंजी। मीरा जी आइए, मुझे आप ही से बात करनी थी। ये दरअसल तुम यहाँ पर ऐसे कुछ भी बदतमीजी कर देती तो मेरे केबिन में आ गए। बदतमीजी में भी बुराई क्या स्वीटी? बुराई तुम में नहीं है ठीना, बुराई तो मुझ में है। दरअसल मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो काम करो ना, शादी कर लो, काबिल बन जाओगे। प्लीज ठीना, शादी और इस उम्र में तो कब तो कब करोगे? जब बुढ़े हो जाओगे तब। राइट राइट, दरअसल मैं बुढ़ापे में शादी करना चाहता हूँ ठीना। तुम बुढ़ापे तक मेरा इंतजार करो। मुझे फोन मत करो। बाय। अरे ये मीरा जी की कजिन है ना, तो हमारी केबिन में क्या कर रही थी? गलती से आ गई थी डैड। गलती से आ गई थी, सच्ची बोलो क्या कर रही थी? तुम्हें पसंद है? नो। बात करो। नॉट एट ऑल। मीरा जी से बात करता हूँ। नेवर। मेरी बात नहीं टालेगी। डैड प्लीज। देखो तुम्हारी माँ को भी पसंद है। अरे मुझे पसंद नहीं है डैड। क्यों नहीं पसंद? अच्छी लड़की है। नहीं लेकिन मैं, मुझे अच्छी नहीं लगती डैड। और वैसे भी मुझे वो लंदन वाली जो डील है ना उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। किस तरीके से हमको क्रैक करनी है? क्रैक क्रैक करनी है क्योंकि मुझे कई लोगों के मुंह पे तमाचे मारने हैं। हेलो 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 सर, तो सर आप ही हैं मतलब वो लंदन वाली पार्टी ना? यस हम द पार्टी। सर हमसे आपकी फोन पे बात हुई थी। दैट्स राइट सर। माय सेल्फ मोहन श्रीवास्तवा एंड माय सेल्फ विनोद वर्मा सर। पास्कल कर 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 लियोनी सर। एक्जेक्टली सर, जो डील आप इंडिया में क्रैक करने आए हैं वो डील हमारे साथ क्रैक करनी है सर। क्या कि हम लोग बड़े प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं और जो वो बाबेटे चिल्ली चोर ना सर, बड़े घटिया किस्म के लोग हैं सर। काम करते हैं और फिर क्या, जो वीपी साहब है ना अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं और हम दोनों का पत्ता काट रहे हैं वो आजकल। बट दिस इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, हमको हमारा सिर्फ माल बेचने से मतलब। सर हम आपका ऐसा माल बेचेंगे, ऐसा माल बेचेंगे कि आपकी चांदी हो जाएगी सर। यू विल बी रोलिंग इन मनी सर। बट हमको हमारा पाउडर सिर्फ कॉलेज का छोकरा एंड छोकरी के लिए बेचना है बस। अरे सर हम आपके पाउडर की ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि छोकरे छोकरी क्या सर, बुढ़े बुढ़िया जवान अंकल आंटी बच्चे सब लोग आपका पाउडर यूज करेंगे। यू मीन द बेबीज एंड बाबास? अब फॉर हाउ मेनी लॉन्ग द इयर्स यू हैव बीन द लाइफ? अब कितने सालों से है सर? ऑलमोस्ट 15 इयर्स सर, 15 इयर्स, 15 साल हो गए सर इस लाइफ में। सर मैं इनका सीनियर हूँ, मुझे 18 साल हुए। सर ये सिर्फ उम्र में सीनियर है सर, जॉब में मैं सीनियर हूँ एंड आई कॉल द शॉट्स हियर। आप तो कंफ्यूज सर। सर इफ यू कॉल द शॉट तो पूछिए ना कल कहाँ कितने बजे। दिस शॉट यू कॉल मोंजी। तो सर कल कहाँ कितने बजे मिलना सर? कम टू मी द क्लोज। हेलो। हेलो सर, मैं मोहन जी बोल रहा हूँ। हाँ मोहन जी बोलिए। सर जी याद है ना सर, कल दोपहर को 2 बजे वो कॉर्लोनी के साथ हमारी डील हो रही है। डोंट वरी मोहन जी, मैं ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा कि पास्कल देखता रह जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मोहन जी आपसे एक बात पूछनी थी कि पास्कल इतनी जल्दी हमसे डील करने के लिए तैयार कैसे हो गया? अब सर इसकी तो कई सारी वजहात हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि हम लोग बहुत ही एफिशिएंट हैं और हमें खुद भी पता नहीं है। और दूसरा कि मे बी वी आर वेरी वेरी लकी। मोहन सर मैं रखता हूँ, वाइफ आ रही है मेरी सर। कभी अपनी बीवी से तो मिलाइए मोहन जी। सर कम से कम मेरी बीवी को तो छोड़ दीजिए। मोहन ये तुम फोन पे किससे बात कर रहे हैं? एक फ्रेंड है मेरा। फ्रेंड है या सहेली? मेरा तुम जानती हो कि मेरी इस दुनिया में सिर्फ एक ही सहेली है। कौन? तुम और कौन? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, मेरी बेटी 24 घंटे थोड़ी तुम्हारे साथ रहती है।
माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मीरा तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम मुझ पे शक कर सकते हो तो मैं तुम पे शक क्यों नहीं कर सकती? मैं तुम पे शक नहीं करता हूँ, मुझे शक है उस कार्टून गोल्डी पे। गोल्डी के बारे में कुछ मत कहना, वो बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत समझदार लड़का है। तुम जानते हो कल वो कितनी बड़ी डील करने जा रहा है? भगवान करे वो अपनी इस डील में कामयाब। एकदम आपकी तरह बोलता है इसलिए आपको अच्छी लगती है। आपकी प्रेजेंटेशन की तैयारी होगी? मेरी 100% तैयारी होगी सर, मैंने ऐसा बनाया प्रेजेंटेशन की उसके तोते उड़ जाएंगे भाई। रियली भगवान के नाम तक कुछ दे दे बाबा, अपने नाम तक कुछ दे दे बाबा। और शराब निकल आउट फ्रॉम हियर। क्या कर रहे हैं सर, भिखारी है कुछ दीजिए सर, दुआएं देगा डील आपकी फाइनल होगी। आई डू नॉट बिलीव इन पैकिंग एंड ऑल। ओके आपको देना आप दीजिए। एक मिनट क्या किया? एक मिनट कर क्या रहे हैं? एक मिनट सर, एक ले बेटा पास कर दिया आपने पास। अरे सर आप कोई दुआएं देगा आपकी डील फाइनल होगी। थैंक यू बाबा, आपकी डील फाइनल हो जाएगी बाबा। तुमने इसको बताया सर? मैंने बोला ना, अभी तो बोला कि आपकी डील फाइनल होगी। I'm running the times, the shots. All girls chahiye, keep the callings. Come, come in. Keep away the girls, keep the callings. Oh my God. Oh my God. Mohan ji, mubarak ho. Deal ho gayi, deal ho gayi, deal ho gayi. Ab main Goldie ke muh pe itna sara tamasha marna chahta hu. Yes. Meera ji ki nazaron mein hamesha hamesha ke liye gir jayega Mohan ji. Let's go to the office and give this news to everyone. Sir, office baad mein jayenge. Sir, kya badi bhook lag rahi hai, itni badi deal aapne final ki hai sir. कुछ खिलाइए मुझे किसी 5-star में। लंच भी कराऊंगा और शाम को पार्टी भी होगी मोहन जी। यस सर। एक बात बोलूं सर? बोलिए। आज शाम को पार्टी हो ना। यस। कुछ पागल तो नहीं है? क्यों, तुम्हें कहता हूँ रिपीट करते, आपको कोई अपना ओपिनियन है कि नहीं, अपनी आवाज है कि नहीं है? सर इस साल सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ने वाली है। इस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? ये मेरा अपना ओपिनियन है। क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर? वाह गोल्डी बेटा वाह, लंदन से आते ही तूने डील फाइनल कर दी। अरे आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखा मीरा जी, इस सब सीनियर को पीछे छोड़ दिया। आइए कहाँ थे दिन भर? हम लोग गप्पे नहीं मार रहे थे सर, कोई टाइम पास नहीं कर रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे काम। ये टाइम पास वाली बात तो आपके ऊपर ही जचती है समझे। कम ऑन बेबी साहब। सर क्यों झगड़ा कर रहे हैं, हम तो आपको बहुत गजब की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। क्या है? ये ऐसी खुशखबरी है जिसको सुनकर आप थोड़े खुश भी होंगे, शायद थोड़े डिप्रेस भी। क्या है मगर? सर जो डील आपके साहबजादे लंदन वाली पार्टी के साथ क्रैक करने वाले थे वो डील हमने ऑलरेडी क्रैक कर दी है। लगा ना शौक? मुझे लगता है आप दोनों को दिमागी शौक देने पड़ेंगे। मीरा जी बताइए इनको। सर वो लंदन वाली डील गोल्डी ऑलरेडी कर चुकी है, हमें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। और मिस्टर वर्मा और मिस्टर मोहन, ये रहा 5 करोड़ का चेक। 5 करोड़ का चेक है? तो फिर वो पास्कल कॉर्लियानो कौन था? पता नहीं सर। वर्मा साहब, मोहन जी बाहर चलिए। इतनी बार पूछ रहा हूँ तेरे से कि कहाँ है मोहन श्रीवास्तव और कहाँ है विनोद वर्मा। मैं भी आपसे इतनी बार कह रहा हूँ, अंदर आ जाइए। सर 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 ये रहे विनोद वर्मा। मोहन श्रीवास्तव, यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। क्यों इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने क्या गुनाह किया है? इन दोनों का ताल्लुक लंदन के मशहूर डॉन पास्कल कॉर्लियोनो से है। सबूत के तौर पे ये फोटो लाया हूँ जो डीलिंग के वक्त खींची गई थी। तो मेरे और आपके पास है? इनके पास कहाँ से आ गया? भिखारी यहाँ पर आ गए, इसे भिखारी था ना? डॉन कॉल में भिखारी। इंस्पेक्टर राजेश दुबे, ये फोटोग्राफ्स मैंने ही खींचे थे, समझ गए? बैग में तो कुछ नहीं है। बैग में कुछ नहीं है, बैग में जो एडवांस हमने लिया था। जितना कहा जाए उतना करो। खोलो इंस्पेक्टर। अरे सर ये ड्रग नहीं है, टेलकम पाउडर है। शट अप, हवा लगने बताऊंगा क्या है। चल ये दोनों ड्रग्स स्मगलिंग करते? आई डोंट बिलीव इट, इवन आई डोंट बिलीव इट सर।
ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। थैंक यू नकली इंस्पेक्टर। ये तुम्हें मिलेगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात पूरी करनी होगी। वो मिस्टर मोहर और मिस्टर वर्मा को खंडाला में ऐसी जगह ले जाके डालना जहां से वापस आने में उन्हें कम से कम 3 दिन लगे। समझ गया? समझ गया सर।